प्रणाम सब गुटा के। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जय मिथिलावासी। बाबा जी। हाँ, इंटरनेशनल के माध्यम से हम रेखा झा अहाँ सबके साथ फिर एक बार जुड़ गेलूँ हैं अपन प्रोग्राम आओ बाबा जी के जानी, जैमे हम सब बाबा जी के जीवनी के बारे में बात करे छी, हुनकर विभिन्न स्वरूप के बारे में बात करे छी। और शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल जेकर फाउंडर सुमित सुमन भाई जी छथिन, हुनकर ई प्रयास छनि कि हम सब बाबा जी के जीवन के बारे में जानी, हुनकर कृतित्व के बारे में जानी, अपन मिथिला के बारे में जानी, अपन मैथिली भाषा से प्यार करी, बातचीत करी और एक तरह से अपन सबके जो हमर सबके सांस्कृतिक धरोहर है ओकरो बारे में सुनी, जानी, पहचानी। तो साथ में हम सब व्याख्याकर्ता जी के सेहो आमंत्रित करै छियनि ताकि हुनकर ज्ञान से हम सब अपन अपन ज्ञान के और ज्योति बढ़ा सकी, अपन विचार के और बढ़ा सकी। सब दर्शक सबके हम बहुत आभार देवा चाहे छी जे अहाँ सब अपन समय हमरा सबसे ने लगावे छी। अशिमा फिल्म्स इंटरनेशनल के पूरा टीम जेकर हमरा सबके बौद्धिक मार्गदर्शन भेट रहल है, हुनका सबके सेहो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आ आए जे हमरा सबके साथ व्याख्याकर्ता जी जुड़लथि हैं, हुनका हम सब जोड़ब। साथ में एकटा बहुत खुशी के बात हम अहाँ सबके बताबे चाहे छी जे शिमर फिल्म इंटरनेशनल जमीनी धरातल पर सेहो काज कर रहल छथि आ आए ओही श्रृंखला में चलू बाबा जी के धाम एकटा फीचर फिल्म बना रहल छथि सुमित सुमन भाई जी, जेकर के आए मुहूर्त छनि बनगांव बाबा जी के कुटी में। ई बहुत खुशी के बात छै कि हम सब सिर्फ बात नहीं करै छी, जमीनी धरातल पर सेहो हम सब काज कर रहल छी, ओहि में अहाँ सबके विशेष सहयोग भेट रहल है, ओहि लए अहाँ सबके हृदय से आभार करै छी। और आए सबसे पहिने अपन व्याख्याकर्ता जी के जोड़े छी अपना सने। जी प्रणाम सर, अपने के बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से। सर अहाँ के बहुत आभार दे छी जे अपने हमर सबके आमंत्रण स्वीकार केलहुँ और हमर सबके प्रोग्राम में एलहुँ। दर्शक सबके हम बताबे चाहे छियनि, हालांकि सर कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि, तैयो हम बताए चाहे छियनि कि आए कि जे हमर सबके सर छथि डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण झा धुर जी, लोकप्रिय गायक साहित्यकार छथि, हमरा सबसे ने जुड़लथि है आई बाबा जी के जीवन दर्शन के बारे में हमर सबके ज्ञान बढ़ावे वाला छथि। तो सर अपने के बहुत बहुत स्वागत करें, तो अपने से निवेदन करबें कि अपना बारे में कनी और हमरा सबके बताएल जाए ताकि हम सब और बढ़िया से अपने के बारे में जान पहचान कर सकी। सर स्वागत। सर बहुत बहुत अहाँ सबके धन्यवाद, आभार जे हमरा ई मौका देलो अहाँ सब, ते अपने सबके कोटि से धन्यवाद। हमर नाम प्रोफेसर धीरेन्द्र नारायण झा धीर, MA PhD छी, विश्वविद्यालय प्राचार्य से सेवानिवृत्त छी, आकाशवाणी पटना दरभंगा लोकगीत से जुड़ल रहलहुँ, दर्जनों एक किताब 1971 में प्रकाशित अछि लत मारा जी मिथिला यूनिवर्सिटी 1971 में जे लतमा जे किताब मिथिला यूनिवर्सिटी के IA के कोर्स में प्रिस्क्राइब छलै खतरे में पाठ्यक्रम में, और दर्जनों पुस्तक छे और प्रकाशित ई दुआरे जे ओ अर्थाभाव में तो लोग क्या नहीं पावे छे, अर्थाभाव आ समय अभाव ओहि में से छे जी। या हमर परिचय परिचय घर ओना हमर घर डिहा मधुबनी जी सर, घर डिहा भेल मधुबनी जिला जी 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 एखन सुपौल में छी। बहुत बहुत आभार सर अपने के, ईश्वर से कामना है जे अपने सलामत रही, हमरा सब के नहीं मार्गदर्शन करत रही, हमरा सब के ज्ञान दर्शन बढ़ावत रही। तो सर जना आए हम सब बात कर रहल छी अपन बाबा जी के, तो सबसे पहिने सर हमरा जे एकटा प्रश्न आबि रहल है जे बाबा जी परमहंस कहल जाय छथि, तो परमहंस जे बाबा जी के नाम के साथ जुड़ले ओहि के बारे में सर अपने श्री मुख से कनी हमरा सब के ज्ञान दर्शन बढ़ायल जाय। वस्तुतः परमहंस जे छे ना जी ओ एकटा अवस्था छे जे अवस्था में लोग पहुंचे छे जी, आ ओ अवस्था छे परम चरमोत्कर्ष अवस्था छे जे विषय पर ओ किछ करे छे जी, और ई पढ़ाई लिखाई से नहीं होइ छे, ई साधना के माध्यम से होइ छे। बिल्कुल सही, कठिन साधना करे पड़े छे, ऐ सांसारिक मोह माया के छोड़ जे व्यक्ति ओ साधना में लगे छे ओकरा प्राप्त करे छे ओकरे परमहंस कहल जाय छे। वाह वाह अद्भुत सर। माने अपने का लक्ष्मीनाथ गोसाई ज्योतिष योग और तंत्र के साधक छलथिन,
तीनू के साधना केलखिन और चरमोत्कर्ष पर पहुँचलखिन तैं हुनका संग में जोड़ल जाय छे परमहंस लक्ष्मीनाथ, जे साधना के माध्यम से हेतै पढ़ाई से नहीं भौतिकी छे साधने के माध्यम से। वाह अद्भुत सर, अद्भुत, बहुत बढ़िया सबने जी। तैं परमहंस आया परमहंस देखबे तुलसीदास रामायण लिखलन राम के नजदीक गेला भक्ति भावना के माध्यम से साधना के माध्यम से नहीं। विद्यापति महाकवि छला साक्षात शिव हुनकर उगना बन के सेवा केलकन लेकिन वो परमहंस नहीं छे ए द्वारा जे इस साधना से होइ छे आध्यात्मिक या भक्ति से नहीं होइ छे। वाह साधक छला ते हिनका संग परमहंस जुड़ल जाय छे। आ देख लेबे रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण जे छला है जी जी विवेकानंद के गुरु ओहो परमहंस कहै छला क्या से ओहो साधक रहथिन आ साधना के माध्यम से सब किछु के अपना मुट्ठी में केने रहथिन। या कारण रहे जे विवेकानंद के भीतर में अपन ज्ञान विचार सबके ओ दबने अद्भुत सर, अद्भुत सर, अपने बहुत बढ़िया से हमरा सबके बतेला था जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के साथ परमहंस जुड़ल छे तो ओकर की ओकर व्याख्या छे से अपने बहुत बढ़िया से बतेला, आभार करे छी सर। और सर एक और प्रश्न हमरा दिमाग में आब रहल है जे बाबा जी के जन्म और मृत्यु से बहुत किछ भ्रांति जुड़ल छे, बहुत किछ भेदभाव छे, लेकिन ओ तो ईश्वर के रूप छले थे साक्षात, हुनकर मृत्यु तो भइए नहीं सके छे, ओ आयो सलामत छे, आयो हुनकर आत्मा स्वरूप जे छे हमरा सबसे ने छे साक्षात चाहे नहीं रहते लेकिन हुनकर आत्मा हमरा सबके आत्मा में आए, हम सब महसूस कर सके छे हुनकर शक्ति के, हुनकर भक्ति के। तो हम अपना से ही पूछा चाहब सर जे ओ जे शरीर त्याग का जे चोला बदल का हुनकर आत्मा जे विचरण केलके तो ओय के बारे में कनी सर हमरा सबके ज्ञान दर्शन दे। ओ वस्तुतः अखन तक जे इतिहास या जे शोधकर्ता छथि ना ओ लोकन जन्म और मृत्यु के परिचर्या या वाद विवाद में पड़ल छथिन। लक्ष्मीनाथ तो वस्तुतः पहिने से कहते रहथिन जे हम चोला बदलो, चोला की छेती शरीर, शरीर की छे तो पंच तत्व से बनल छे, छीति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, इस शरीर की छे रेखा जी तो अधम छे, पाप के घर छे, पाप के घर छे, जे साधक छे ना वो साधना क्या कहे अपन शरीर के त्याग दे छे, लोग बीमार भए के मरे छे तो रोगी भए के मरे छे, आ ई तो अपन साधना के बल से मोक्ष प्राप्ति हेतु शरीर के छोड़लखिन आ तकर बाद गेला तैं हिनकर मृत्यु नहीं भेल छन, ई तो शरीर के त्याग के निकलल रहथिन आ एखनो छथिन, एखनो अहाँ के अनुभव है एखनो घटता बाबा दोसर रूप हम लिखने छे कि फटकी के फाटक फटकी में हुनकर से कहे छे सब मृत्यु भेल छले ओहिठाम त्याग केने रहे फटकी के फाटक रोक न सकला छोड़ चलल निज देह आ एखनो धरि तू घूमि रहल छ लक्ष्मीनाथ विदेह। वाह एखनो लक्ष्मीनाथ देह के छोड़ देलखिन लेकिन विदेह बन के घूमि रहल छथिन, विविध रूप में घूमि रहल छथिन, जेहिठाम हुनका स्मरण करबे अहाँ के पहुँच जाए। बिल्कुल सही, हुनकर मृत्यु मृत्यु नहीं भेल छलनि, ओ तो अपन शरीर त्याग के गेल छला। जी जी हम सब आइयो हुनका महसूस कर सके छी अपन भावना श्रद्धा भक्ति सब एकदम एकदम हमरा तो महसूस भए रहल हम अपन किछ संस्मरण सुनाब लेकिन आज हुनकर हिनका पर फिल्म वाला काज भ रहल है हम एक काज काज यहाँ लिखलहुँ हँ जे लोक गायक लोक कनिये हमर आवाज तखन बाजि गेल लेकिन तैयो हम प्रयास करै छी अपने के सुनाबी। हमरा हुनका पर लिखल अछि जे बाबा जी घूरी आउ गाम, ए बाबा जी घूरी आउ गाम, ए बाबा जी घूरी आउ गाम, मंदिर प्रतीक अहाँ कुटी बना, भक्तिक गंगा केर धार बहा, अच्छी बना देल बन गाम धाम, ए बाबा जी घूरी आउ गाम, ए बाबा जी घूरी आउ गाम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जत्ते बढ़िया शब्द छे तत्ते बढ़िया लय व तरीका से अपने सर हमरा सबके साथ ही समा बांध देला त वेला बहुत बहुत आभार करे छे। आ सर हम औरो जाना चाहबन बाबा जी के बारे में, हुनकर कहे छे होनहार वीरवान के हो चीख ने पात, तो बचपने सर बाल काल से जे हुनकर लीला सब आरंभ भ गेल छले, कनी सर हमरा सबके हुनकर लीला के बारे में जरूर और दर्शन करायल जाए।
हुनका लीला के बारे में तो पिछलो वक्ता कुलानंद जी बहुत रास बात कहलें जी और वस्तुता होइ छे कि बाल लीला जे अवतारी पुरुष होइ छे ना जी जे अवतारी पुरुष होइ छे जी तो ओ जन्म लेते अपन लीला शुरू कर दे छे बिल्कुल जना कृष्ण अवतारी पुरुष रहथिन जी आ कृष्ण जन्मलखिन त जहन ओ अपना कन्हा पर ले जात रहथिन वसुदेव समुद्र के पानी उठा लगे ऊपर तो कृष्ण की कलखिन अपना आंगुर से समुद्र के धीरा देथिन और समुद्र नीचा चल जाते की छे बाल लीला बाल लीला जी उनका कुछ के नहीं रहे जी जी लक्ष्मीनाथ गोसाई जहन जन्म लेलखिन तकरे बाद 101 लीला ओ करत रहथिन जकरा संबंध में बहुत रास बात कहलन कुरान जी पिछले हम सुनने रही जी जी पोखर में नहाय ले सब बच्चा जाथिन त नीचा में घंटों 4 घंटा 5 घंटा तक पानी में डूबल रह जाते रहती जी सब नहीं कह सके बिल्कुल सही वह हो जन्म के समय में जे बच्चा के कुंडली जागल रहे छे ना जी जी जना अर्जुन माय के गर्भे में अर्जुन माय के गर्भे में बहुत रास बात सीख लेलखिन धनुष विद्या के जी जी तेना इहो पूर्व जन्म के संस्कार के ला के आयल रहथिन एक से एक लीला करते रहथिन एक से एक खेल करते बहुत बढ़िया समय रहे के नीचे बिल्कुल सही कह रहा है सर और हम अपने से जानना चाहते हैं जो हमर सबके जो व्यक्तिगत अनुभव हुई है वो हमर सबके विश्वास के और मजबूत कर दे छे तो लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के जीवन सर आहा के जीवन के जो अनुभव रहल सर हम सब हुनका बारे में विस्तृत जानकारी लेबा चाहो अपने श्री मुख सर क्योंकि ई ज्ञान हमरा सबके कतौ ने भेटत जे अपन अनुभव आहा अपन श्री मुख सर हमरा सब सने साझा करब रेखा जी हम 1967 से लक्ष्मीनाथ गोसाई से जुड़ल छी बनगांव में भवेश मिश्र छलाह पंडित ज्योतिष बलदेव मिश्र के बालक वह हिनकर जन्म शताब्दी शुरू कलखिन आ हम 1967 में आयल रही कॉलेज ज्वाइन केने रही 2 जुलाई में आ तहिए से ओहिठाम जुड़ल छी आ ओतेक दिन से जाबत भवेश बाबू रहला एखनो यदि ओ सब बजबै छै तऽ चल जाइ छिए हम जुड़ल रहलिए ओहिसे तैं बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई के जे जीवन दर्शन रहन रहस्य रहन वो अद्भुत रहे एहि दुआरे जे बाबा ज्योतिष योग और तंत्र के निष्णात विद्वान रहथिन और विद्वान के बाद शैक्षणिक अवस्था में अध्यापन के अवस्था में अध्ययन के अवस्था में पड़लखिन लेकिन जिनका जे ऊपर ओहि साधना में जे शक्ति भेटलन ओ भेटलन कतौ तो लम्बना अपन गुरु लम्बनाथ के ओहिठाम जेठाम ओ अष्ट सिद्धि के प्राप्त केलखिन और रेखा जी अष्ट सिद्धि एहन चीज छे जे आदमी किछ कह सके छे अष्ट सिद्धि सबके प्राप्त नहीं होइ छे बहुत कठिन साधना छे अष्ट सिद्धि प्राप्त रहन किनका तब हनुमान जी के महावीर के बजरंग बली के लेकिन बजरंग बली साधना के बल से अष्ट सिद्धि नहीं प्राप्त करने रहती उनका आशीर्वाद भेटल रहन किनकर असवर दिन जानकी माता महावीर जी साधना नहीं करने रहती अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दिन जानकी माता उनका जानकी माता आशीर्वाद देने जहाँ अष्ट सिद्धि के प्राप्त कलो यह कारण रहे जो अष्ट सिद्धि जो प्राप्त करे छे रेखा जी ओकरा लेल उड़नाय गेनाय भेष बदलनाय रूप बदलनाय छोट बनलाय सुरसा राक्षसी मुंह बरबैत जाय हनुमान जी देखी करथिन बरबैत जाथिन आ जहन वो एकदम देखलकै बड़कीटा मुंह भ गेलै हनुमान जी की कछि माछी बन ओकरा कान देके सुख रूप धान के निकल के ई अष्ट सिद्धि के छी तहिना लक्ष्मीनाथ गोसाई के की रहन अष्ट सिद्धि साधना से भेल रहन ओ ककरो आशीर्वाद नहीं रहे गुरु लग में साधन खिन यह कारण रहे बहुत रास काज एहन करथिन जे असंभव काज सब रहे जना हुनकर जतेक अखाड़ा छै ना जी जी कुटी छै जतेक कुटी छन सब पर अखाड़ा छै अखाड़ा जे छै की छै जे जी 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 पहलवान पहलवान सब युद्ध लड़े छे माने कुश्ती लड़े छे जी 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 बाबा के जते कुटी छे सब में देखबे अखाड़ा छे ओहिठाम कुश्ती लड़ल जाय छे किया त बाबा सब के बलशाली बनबे चाहित रहथिन अंग्रेज के शासन रहे जे शस्त्र और शास्त्र दुनू चाही सब के बलशाली बनबे चाहित रहथिन जे अपन रक्षा कय सकते ते अखाड़ा रहे आ सब लड़ैत रहे आ यह कारण रहे एखनो जे जाब अहाँ बनगाम या कतौ हुनका कुटी पर एकोटा 6 फीट से कम लोग नहीं भेटत अहाँ के आ सबके देखबे जे दोहरा बदन छै सबके बाप पुरखा कुश्ती लड़ैत रहै ओहिठाम सहज ढंग से एक बेर बड़की टा के हाँ बहुत बड़की टा दंगल भेलै
जे देश विदेश से पहलवान सब आयल रहे बाबा के कुटी पर जी। बाबा के कुटी पर जहन उस पहलवान लगे थे पंजाब के पहलवान रहे जे सबके परास्त केलके आ लंगोटा घुमा दे तो बाबा के कुटी पर आ दोसर लंगोटा घुमा देते तो आश्चर्यजनक बात रहे कि नहीं खलीफा लंगोटा घूमबे के काज नहीं छे अब इम्हर अब बल्कि छोड़ हम बैसे छे तू हमरा उठा के देखा दा हम बुझ लेब तू बड़का पहलवान छे जी। बाबा पाछा मारि के बैस गेलखिन अब बैस गेलखिन तो दुनू हाथ से जोर लगाबे ओकरा उठबे नहीं करे कहलखिन जे तू गुरु के उठा नहीं सके छ तू दोसर पहलवान के की करब ओकरा उतने नहीं भला उठा लेते नहीं नहीं एकटा बच्चा के बजलखिन ओटा बच्चा अरे 10-12 साल के रहे अगर बुआ हमरा उठाबी तो एना के दुनू हाथ के बाबा 3 फीट ऊपर चल गेल तो शरीर के भारी बना देने आ शरीर के हल्का बना देने या छे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अष्ट सिद्धि जरा प्राप्त है बजरंग बली की केलखिन संजीवनी पहाड़ के उठा लेलन समुद्र लाइन गेला समुद्र लाइन उनका अष्ट सिद्धि रहन ते जे क्यों अष्ट सिद्धि प्राप्त करे छे वो किछ कह सकैया कतौ कह सकैया किछ कह या अष्ट सिद्धि के कारण छे जे जानी अपन जा लगलखिन संन्यास में तो हुनकर पत्नी काना लगलखिन सब काना लगलखिन जहाँ छोड़ के जेबे एकर की हेतै कहलखिन पुत्रवती हेतै आशीर्वाद दैहिक संपर्क नहीं रहन पत्नी से आशीर्वाद देलखिन जे पुत्रवती हेती और वो पुत्रवती चल गेलखिन पुत्रवती भेली जिनमें पुत्र भेलैन 3-3 टा हिनकर नतिनी भेलैन बाबा के एखनो नाति सब परसरमा सब में छे उपन सब छे ई सब नहीं कह सकैए जकरा ओ अष्ट सिद्धि प्राप्त छे। जी 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 बिल्कुल सही सर जी बिल्कुल सही कहला सर सर कनी अपन जीवन के हुनका अपन जे अनुभव छन बाबा के साथ जुड़ल से हो हम सब विस्तार से हां या सुना दे छी तो बाबा हम 1971 में जी भवेश मिश्र के संग गेल रही बाबा से हम जुड़ल रही तो आगरा गेलहुँ हमरा सब संगे मुजफ्फरपुर में एक महिला छथि टीचर अब रिटायर कहल शांति सुमन वो छलिए हम चलहुँ भवेश मिश्र छला है तो हमरा लोकन गेलहुँ आगरा आगरा से फिर गेलहुँ दिल्ली आ फिर दिल्ली से मैथिली के लिए अष्टम सूची सबके बात रहे इंदिरा गांधी से भेंट करूँ सब किछु भले ओहिठाम से अयलहुँ तो रास्ता में भवेश मिश्र के की भेलनि इलाहाबाद से पहिने बहुत पेट में दर्द शुरू भेल भीषण दर्द मतलब छटपटा लगल छिनका जाड़क मास रहे हम रहिए ऊपर में सुतल भवेश बाबू नीचा में एक शांति सुमन हमरा शांति सुमन उठेलन जे सर उठियो ना कि भवेश बाबू के पेट में दर्द भए रहल देखल बेचैन रहथिन हम कहलिए अब गाड़ी चल रहा छी बाबा हम कतौ से की करबे नहीं करबे तब भले कि इलाहाबाद जंक्शन आब इलाहाबाद जंक्शन जे अल तो हम गाड़ी रुकल एक आदमी हमरा कहल जाइए ना स्टेशन के बगले में दवा की दुकान है वहां से कोई दवा दर्द का ले लीजिए तो हम की के लिए तो हमरा तो ओढ़ना तोड़ना सोना कोई पर रह गए खाली एक शर्ट रहे आईटा हल्का स्वेटर रहे हम उधर के चल गए दवाई आने ला तो हम जो दवाई लेने के लिए तो हम तक नहीं घूरिए प्लेटफॉर्म के वही का लेकिन दवाई की दुकान बंद रहे अब दवाई की दुकान बंद रहे तो फिर कहल नहीं यहाँ से है दूसरा दुकान वहाँ है चले जाइए मिल जाएगा फिर दौड़लों ओहिठाम ओहूठाम गेलों तो नहीं रहे फिर जो दौड़ के आबी ताबे ट्रेन खुली आसाम मेल सब हम सब आबित रहिए दिल्ली से इलाहाबाद से ट्रेन खुल गए हम रह गए प्लेटफॉर्म पर न टिकट न ओरना न किछ न हम कहिए हो बाबा आप की हेतु वो तो मिल गए थे रस्ते में दर्द करते रहे हम बैसल रही एक चाह के दुकान रहे ओहिठाम रहे ओहिठाम अब तक तापत रही चाह वाला लग देखू ना चाहते पीबू अब भेल जे कोन ट्रेन से जेबे हम बड़ी काल के बाद एक से दादर हावड़ा एक्सप्रेस अल मुंबई से जी हमरा कहल कि जे चाय वाला जे अही में बैठ जाऊ हम कहलिए कि हमरा सीट दे सर लागल छी रूम सब 3:30-3 बजे से चाय रात में कहल के नहीं नहीं चलू ना गार्ड साहब से हम भेंट करा दे छी ओ जे चाय वाला रहे ओ एक ललका वस्त्र पहिरने गार्ड के कहल के जे देखिए छूट गए हैं वहां बैठा ली गार्ड कहल के कहाँ जाएंगे हम कहलिए हमको जाना था बरौनी उधर जाना है खगड़िया सुगुन पर सरमाजी वहाँ कहल के ये तो आपको जो सीधी होके जाएगी भागल मुकामा में इसको हम ट्रेन हमारा बदल जाएगा तो हम मुकामा में आपको उतार देंगे हो सकता है और कोई रास्ता नहीं तो हम कहूँ जो हम जा रहे थर थर कपी थी तो मुकामा तो कम से कम चल जाते गाड़ी संगे जी तो हम हमारा कहल गया
सब गेट बंद है सर, कहाँ बैठे? कहते थे मेरे ही गार्ड के डिब्बा में बैठे, गार्ड के डिब्बा में बैठ लो, वो कुर्सी पर बैठा दिलक, अपन जरा ड्यूटी करते हुए जगना ही रहे, अपन ओवर कोट रहे से हमरा वो पहरा पढ़ा दिलक, नाना तो किछु रहे नहीं ओहिठाम से, जे ओहिठाम से चललहुँ तो हम तो ओढ़ने रही, आ बीच बीच में हमरा पूछे तो जहन मोकामा अलै, मोकामा में हमरा उठेलक जे ए सुनिए मोकामा आ गया है, आ रहा है, आप उतर जाइए, आपको यहाँ से मिल जाएगा बरौनी का ट्रेन। तो हम उतर गेलिए, तो उतर गेलिए, एक कुली के कहलके जे सुनो वो जो अबे छे दैले मने लाइन सब जे इनको ले जाओ, बेचारे का देखो सर नहीं है कोई गाड़ी जो बरौनी जाता हो तो उस पर इनको चढ़ा दी। वो हमरा कुली ला के चल लेकर बरौनी जेबे तो हाँ तो चलो ना आसाम में लागल छे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कौन आसाम मिल, अच्छा जे अलै ये दिल्ली से 7 घंटा 6 घंटा, हाँ 100 घंटा से खराब छे गाड़ी, चक्का घूमै छे गाड़ी चलते नहीं छे। ओ माय गॉड, आप देखियो हम दौड़ के ओकरा से गेलहुँ, देखलियो वे आसाम मिल लागल रहे, तब 5:30 भोर भए गेल रहे, डारक मास रहे, हम ओ डिब्बा के ताकि गेलहुँ तो सब रहे ओहो सुतल रहे, तो ओहोसँ हमहूँ जाके ऊपर में सुति गेल, सुतलहुँ तकर बाद हम ओसभ उठला 6:30 7 बजे तो हमरा देखलक आ कऽ घने लियै, तो हम तो कहलिए हम नाना भए गेल हमरा सङ्गे गेल, कहलकै देखियौ ने 8 बजे 8 घंटा से ई गाड़ी लेट छै, बादमे भेलै एकर इंजन बदलल जेतै, ताहि दुआरे जे पड़ल छी, बाप रे बाप अहाँ छुटि गेलहुँ, हमरा तऽ प्राण जाइत रहै। हम कहलियै अहाँके प्राण नहि जाइत रहै, प्राण तऽ हमर सुखायल रहै, अहाँके की भेल? हम कहलियै अहाँके केना दर्द ठीक भए गेल, कहै के दर्द ठीक भए गेल? कहलकै अरे ओहि बगलमे एकटा बाबाजी बैसल रहै, कहलकै ई दर्द मैदा का पाउडर है थोड़ा सा दे दीजिए ठीक हो जाए। ओ दर्द मैदा के पाउडर जे देलकै ओ बाबाजी रहथिन। केना कहबै जे ओ मरि गेला, एखनो छथिन जे रूप में देखबै छथिन, हम कहै छियै जे मरला है नहि एखनो छै, ई हमर व्यक्तिगत संस्कृति एतबे नहि, हम हार्ट पेशेंट छी, 2008 में हमरा हार्ट के पेशेंट 80% हमर ब्लॉकेज है पूरा तीनू कोन में, डॉक्टर लग में जाइ छियै तऽ कहै छै जे आप जिंदा कैसे हैं साहब, खड़े कैसे हैं? हम कहलियै बाबा की कृपा है। ओ सब क्या बेर हमर ऑपरेशन करे के प्रयास केलके लेकिन नहीं भए सकले, बाबा मना कर, मना हमरा मना कर देथिन जे तू नहीं जोबे, में ओ सब नहीं करा पूछो। अब सोच लियो जे 2008 से लए कर 21 छै, 13 वर्ष हम बाबा की कृपा से जीवित छी, और हमरा हजार साल की अब हमर एकटा 20,000 अच्छा हमर एकटा लड़की सुधारे सुधारे बड़की गुजरात में जी, अब ओकर विवाह समस्या रहे, समस्या रहे तो दिमाग में रहे जे एकटा मधुबनी के मित्र हमरा फोन केलनि जे हे एकटा लड़का छै मधुबनी में, आओ ने से भए जाए, प्रोफेसरे छथि हुनकर बेटा छै, ओ प्रोफेसरे चाहे छथि समृद्ध हुए, तो गेलहुँ ओहिठाम, गेलाक बाद पता लागल जे सम्पुत्री छै तऽ हेतै केना, तऽ ओहिठाम जे सुतलियै रातिमे तऽ चिंतामे पड़ि गेलियै, चिंतामे पड़लियै तऽ नींदमे सपनामे देखलियै जे हो बाबा ई हमरा कतेक तू दौड़े बाबा, ई ब्याह बेटीके नहि हेतै कोना हैत, कहलनि हमरा रे सरवा हमरे गाँव में तो लड़का छे, देखी ना हमरा दिमाग में सपना में देख लिये हमरे गाँव में लड़का छे, तो फिर भेल जे हेतै हमरा सपना कोनो देख लिये, सरवा जे कहलखिन तो हम बुझ गेलिये बबे के वह कहैत रहथिन सबके सरवा, आ सरवा कोनो गारि नहीं छे, ई तांत्रिक शब्द छे, बात बुझले जी, हमरा लोग के कहै छै जे गारि पड़ै छथिन से नहि रहै, ओ सरवा तांत्रिक शब्द छे, तंत्र में तो निष्णात रहथिन तैं ओकर प्रयोग करैत रहथिन जी। भोर मने हमरा ओ कहलनि कि जे की करबै, तऽ हम कहलियै जे नेपाल लेके चलि जेबै, जयनगर चल जेबै, जयनगर में हमर भागिन रहैत रहै ओहिठाम रहबै, आ ओतै से नेपाल बीरपुर तक छी, तऽ भोरे ओ हमरा गाड़ी पकड़ा देलनि, हम गेलहुँ जयनगर, जयनगर में भागिन लगमे गेलहुँ, तऽ भागिन कहलक कि जे कतऽ गेल लगमे, हम कहलियै नाना एकटा बेटीके बिआह छै लाके ओहि लए लेत की भेलै, तऽ हम कहलियै बोध छै केहन कथा ताकि जगह, हम कहलियै केहन ताकबै जे मध्यम कोटके होइ, लड़का ठीक ठाक होइ, पढ़ल लिखल होइ, हमरा कोनो ऑफिसर नहि चाही, मध्यम वर्ग के शिक्षक ठीक उन्हें लड़का चाहिए, कहलक जे हे ओटा छथिन से डॉक्टर तिलकनाथ बाबू संस्कृत के हेड, हुनको एकटा लड़का छै, चलो ने साँझ में जेबै ओहिठाम भेंट करी, चलो फिर अपने संगे हमरा कहलकै चलू बाजार दिस, बाजार दिस चलू कनि माछ ताँस किनब, ओतऽ गेलियै बाजार दिस हटिया दिस, ओहिठाम माछ किनै लए हमसब गेलियै तऽ तिलकनाथ बाबू सेहो आबि गेल रहथिन हटियामे माछ किनै, अच्छा लड़का के पिता जी, बुझलियौ, तो ओ हमरा कहलक देखै छियै एतै छथिन अहाँके लै बाबू जी, हम ओहि कॉलेज में बहुत बेर गेलियै विद्यापति के प्रचार प्रसार समिति सबमे, धीर बाबू अहाँके देखै छियै, हम कहलियै हो नाना आयल रही,
गप सब हुआ लगल की हम कहली केना नाय करू चलू ना हमरा एकटा चाचा पिकू ना सोना नहीं जा देब चलू चाय पीबे ओही ठाम से हम चल गेलिए हुनका ओहिठाम हुनका ओहिठाम जो पुछलनि जे किया आयल रही तब कहलिए नाना आयल रही कथा पूछी लए आयल गेल पर हम केहन कथा ताकै छियै बोली केहन ताकबै शिक्षक छी लड़कीके कोनो कष्ट नहि होय आ लड़का पढ़ल लिखल होय इंटेलिजेंट होय भए गेलै आओर हमरा की चाही ओ हमरा कहलनि जे एकटा लड़का हमरो जे एके टा यऽ आ ओ बायोटेक्नोलॉजी से एम ए केने एम एस सी केने यऽ अखन जॉब पर नहि यऽ अखन ओ रिसर्च कए रहल यऽ अगर एहन कथा अहाँके चाही अहाँ प्रस्ताव दिअ हम करि लेते लड़काके बाप एतेक जल्दी तैयार छै हम भागिनके पुछलियै हुनकर घर तऽ उम्हरे कतौ छै कहलखिन परसरमा आ परसरमा लक्ष्मीनाथ गोसाई के कुटी जन्म छल परसर मे तैं कहलखिन जाइ छै रे सरवा हमरे गाँवमे तऽ छै तुरंत देखा नहि पड़ै छौ बात भेलै आ विवाह भए गेलै मने लड़का के पिता हमर पैर विकार भऽ जाय ई बाबा के कृपा के छोड़ि कऽ हमरा बगल मे हमर एखन हमरा बगल मे हमर पुतौ छथि एखने अहाँ से बात कयलनि बड़की गुंजन जी सितम्बर 1914 मे लक्ष्मी जांच गोसाई पर एकटा साहित्य अकेदमी दिल्ली से भेल रहै परिचर्या ताहिमे हम कवित्री के रूप में हिनको इन्वाइट कऽ देने रहियनि हम ही रहियै संयोजक हमरा सब कहलनि जे सुपौल मे कोनो बड़का टाउन मे अथी मेरा कोनो होटल टोटल मे प्रोग्राम 2014 के सितम्बर हम कहलियनि जे होटल टोटल मे प्रोग्राम हम नहि करब बाबा के प्रोग्राम तऽ हुनका दी पर नहि हेतै जब सुपौल आबि गेलहुँ हैं तऽ चलू परसरमा अगर परसरमा जायब तहन तऽ हम संग देब आ परसरमा नहि जायब तऽ हम अहाँके संग नहि जायब हम प्रोग्राम मे नहि रहब तऽ ओ फेर बात केलकै ओहिठाम से कहलकै नहि जब संयोजक करे हैं बगल मे है तो छोड़िए ना जाइए ना कोई की ओहिठाम कहलियै जे हिनका हम संयोजक के रूप मे चूंकि एहिठाम लोग दै के विद्यार्थी रहे हिनका हम इन्वाइट कऽ देलियै कविता सब लिखै छथि महिलो के बजलिए इहो गेल छलिए ओहिठाम हमरा सब तऽ ओहिमे रही भाषण माला मे कविता ई की केलनि तऽ चल गेली भगवत लक्ष्मीनाथ गोसाई के घर अंगना गोसाई घर जाहिठाम लक्ष्मीनाथ अपने पूजा करैत रहथिन ओ महिला सब हिनका लए कऽ चल गेलनि जे बाबा एहिठाम पूजा करैत रहथिन या हुनकर कुटी छियनि अपन ई एहिठाम जे केने हेथिन मनमे ओ हार लगेने हेथिन तऽ जे बाबा केलखिन हम जहन मंच पर एलहुँ तऽ हमर छोटका लड़का हमरा संगमे रहै तऽ हमरा कहै छै भैया के जे लड़का कथा ताकै छियै तऽ अहाँके देखा नहि पड़ैया गुंजन दा या कए लेलियै देखू तऽ कते सुंदर कविता पढ़लकै हमर छोटका लड़का ओकरा माथ मे बाबा के माँ एकरा माथ मे आबि गेलै जेकरा जिद्दी लड़का छै फिर कहलियै कि किया जकरा जे छै हम कहलियै ठीक छै करबे नहि करबे फिर अपन ई कविता पाठ कयलनि चल अयली लेकिन धीरे धीरे पुरान कोना सूत्र लगैत गेलै 15 मे आबि कऽ हिनकर विवाह हमरे जेठ बालक सचिन से बहुत बढ़िया की कहबे हमर सबके जे छै तो प्रथम मामला कहै छै तो लक्ष्मीनाथ देने अहाँके ओ लक्ष्मीनाथ अहाँके देने गुसाइन हम एकरा ई कहबनि सर जे अपने बहुत भागवान छथि अपने के जे श्रद्धा छै अपने के भक्ति अपने के आस्था ओ चरम सीमा पर पहुँच कऽ और ओकरा से आगू चलि गेलै जे बाबा जी अहाँ के हृदय में छथि अहाँ के अंग संग रहै छथि और अहाँ एकटा जीवंत उदाहरण छी हमरा सबके समाज ले हमरा सबके मिथिला के ई सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ल विभूति से जुड़ल जे अगर श्रद्धा रहे एकटा भक्ति रहे तो हम सब आइयो बाबा जी के अपना बाबा के देख सके छी हमरा शक्ति के महसूस कर सके छी सर एकटा आग्रह आयल हम जरूर पढ़ चाहब अहाँ क्षमा चाहे छी अहाँ के रोके के कन्हैया झा जी कह रहल छथि सर से आग्रह जे एक बाबा के गीत गावत अंत में समदौन गायब के अंत करे बाबा के गीत ताबो किताब जेने लेकिन हम बाबा पर गीत गावे छी हम अपने बनेने छी जी सर आदि व्याधि सँ पीड़ित तन हो दुख दारुण सँ चिंतित मन हो आदि व्याधि सँ पीड़ित तन हो दुख दारुण सँ चिंतित मन हो सब के छुए के पल में बिलाई छी सब के छुए के पल में बिलाई छी जादू भरल तोर नाम में हो बाबा जादू भरल तोर नाम में जादू भरल तोर नाम में एकरा एक तरह से पाती देखबे हां लक्ष्मीनाथ गोसाई कुटी पर गेलौ हमर गांव नहीं सर हम जा देखबे की हां नहीं एक बेर जइयो एक बेर जेबे तो हम अपने के सबटा भाजा
ओहिठाम जेबै तऽ एकटा बट वृक्ष छै, विशाल वृक्ष छै बाबा कुटी लग जी। आ ओ ततेक विशाल छै जे ओकर डारि बढ़ैत गेलैया, लेकिन सरकार ओहि पर सड़क ओहिठाम रहै, सड़क मोड़ैत गेलै दक्षिण दिस, केओ डारि कटैके साहस नहि केलकै आ ओ सड़क भागल गेलै दक्षिण दिस। तऽ ओहि पर एकटा हमर संकेत छै, एकटा पाँति छै जी, बड़क पात झड़ी झड़ी बड़क पात झड़ी झड़ी के ताकरे तोहर समाद पथिक सौ पूछे नमरी नमरी के कान में हो बाबा जादू भरल तोर नाम में, जादू भरल तोर नाम में। देखा जी अद्भुत सर, जहिना जहिना कहै छै ना जे भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, हनुमत वीरा। तें बाबा जी के नाम में वो जादू छे, कोनो बीमारी छे, कोनो रोग छे, कोनो किछ छे, भूत प्रेत सबटा बाबा जी के नाम पर की होते। वाह अद्भुत अद्भुत सर अद्भुत। हम शिमा फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से आए अपना आपके बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा छी जे आए हमरा सब के साथ सर अपन अनुभव शेयर के लेत है और हमरा सब में आस्था और भक्ति के ज्योत प्रज्वलित कर दलो है सर अहाँ। और हम अपन सब दर्शक सब के सेहो कह चाहबन जे बाबा जी के स्मरण करू, बाबा जी के याद करू, आस्था और विश्वास के साथ ला कर चलू। आइयो बाबा जी अहाँ सबके साथ छथि, आइयो अहाँ सबके मनोकामना पूरा है और सर साक्षात उदाहरण छथि जिनकर जीवन बाबा जी के साथ चल रहल छै। ईश्वर करे सर अनहे सलामत रहता है, बाबा जी के कृपा हिनका ऊपर हमरा सबके ऊपर बनल रहे। सर आय हम सब अपना आपके धन्य महसूस कर रहल छी क्योंकि हम सब किताब में जे पढ़लो से एक तरफ, लेकिन अहाँ के जे अपन अनुभव है जे व्यक्तिगत अनुभव है ओ दूसर तरफ, ओ हमरा सबके और कतौ से ने जाने समझेले भेटता है। आए शिमर फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से अपने जे हमरा सबके साथ अनुभव शेयर केला था ओ ला सर अहाँ के बहुत बहुत साधुवाद। और सर समय के मान रखे अपने से एक निवेदन सेहो करा चाहबे जे अपना तरफ से एकटा जे और एकटा रिक्वेस्ट आयल है समदाउन गायक के गायन लाए ओ सुनना चाहे हम सब, तो ओ सर जरूर हमरा सबके सुनायल जाए। सुना दै छी हालांकि स्वर समदाउन के लेल तो स्वर बाधित भए गेल छै उम्र के कारण सर्दी के कारण सुनायब जी। ओहि से एक पहिने दू पंक्ति सुनबा चाहै छी। जरूर सर जरूर। बाबा जी जहन फटकी में अपन प्राण विसर्जित केलखिन तो लिखलखिन जे लक्ष्मी पति सुरपुर चले जौन रहे अहिठाम कुटी हमारी देखियो मिथिला में बनगाम। प्रत्येक लोग बनगांव में हजारों संख्या के लोग छे जी, लेकिन वो लिखलखिन चिट्ठी ककरा, क्रिश्चियन जॉन के जे नील कोठी के मैनेजर रहे जी, ओकरा भार दलखिन जे हमर कुटी के अहाँ देखैत रहब हम जा रहल छी। शब्द कोन उपयोग केलखिन जे सुरपुर चले, कोनो भक्त भगवान मने एठुका या और केओ, ई विद्यापतियो कहलखिन जे माधव हम परिणाम निराशा तुहु जगतारण दीन दया में अतः तोहर विश्वास, अहाँ के विश्वास बड़ पैघ भक्त रहथिन महादेव उगना बनि के हुनका एहिठाम रहथिन, लेकिन ई विश्वास नहि रहनि जे हमरा मुक्ति मोक्ष भेटतै कि नहि। लेकिन बाबा कहलखिन लक्ष्मीनाथ सुरपुर चले, विश्वास रहनि जे हम साधना केने छी, हम केने छी तऽ हमरा स्वर्ग भेटबे करतै, मुक्ति हमरा भेटबे करतै। ई चीज कोनो 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 व्यक्तित्व नहि छै आ कोनो साधक में असन्धि भए सकै छै। मिथिलांचल के एकटा बड़का अद्भुत चीज छै, केओ भी व्यक्ति अपन मृत्यु के घोषणा पहिने नहीं करे छै। बिल्कुल बिल्कुल। हम एहिठाम विद्यापति केने रहथिन जे ओ
32 बरस पर सांवर रूप आई देखल हम शिव सिंह भूप। शिव सिंह राजा रथिन जी हिनका राजपति मित्रो रथिन। आई देखल हम शिव सिंह भूप 32 बरस पर सांवर रूप, 32 वर्ष पर हम सांवर रूप दिखाइए। कार्तिक धवल त्रियोदशी जान विद्यापति के आयु अवसर। मरे से पहले घोषणा कर दिलखिन कार्तिक धवल त्रियोदशी दिन हमर मृत्यु हैत, वही अनुसार गंगा दिस विदा भेलखिन। ठीक लक्ष्मीनाथ के देखियो संपूर्ण जीवन बनगांव में बीतलखिन, साधना स्थल बनगांव में रहन, और मरे से पहले फटकी चल गेलखिन। फटकी जाए से दू दिन पहले जौन साहब के चिट्ठी लिखलखिन लक्ष्मीपति सुरपुर चले जौन रहे अठाम कुटी हमारी देखियो मिथिला में बनगाम। जौन से एतेक लोग रहे बनगाम में ककरो भार नहीं दिलखिन, भार ककरा दिलखिन जौन साहब के। ए द्वारे जे वो सब जाति सर्व धर्म सब से जुड़ल रहथिन, जौन साहब हिनकर शिष्य रहन, वो क्रिश्चियन जौन हिनकर शिष्य रहन, जे हिनका पर 100 पेज में किताब लिखल गए इंग्लैंड में जाकर जी। चूंकि अंग्रेज शासन के समय रहे इनका भय रहन जे अंग्रेज समय पे कहीं कुटी सब के ध्वस्त करे हमरा गेला के बाद, ते भार ककरा देलखिन जॉन जॉन सर के। वाह, अंदाज करबे हां जे ई शासन में छे कते दूरदर्शिता से काज लेले जे हुनका एक मैसेज देले जे सब धर्म सब भाषा एक छे, भक्त ले और भगवान ले कोनो बीच में भेदभाव नहीं केले, और दूसर जी अपन कुटी के संरक्षण ले भार ओकरे दा देलखिन जेकर शासन छले या जिनका से खतरा बा जे की को सके। वाह बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न छे, दूसरा प्रश्न छे रेखा जी जी, जन संपूर्ण जीवन बितेलखिन ओ अपन गांव में जी, तो मरे ले फटकी किया चल गेलखिन मृत्यु जी जी जी, शरीर त्याग करे ले फटकी किया गेलखिन, लोग कहे छे मृत्यु लेकिन शरीर त्याग करे ले फटकी गेलखिन जी जी जी। बनगांवे के साधना स्थल की आवेदन की कुटी तो 32 22 टा देर चर्चा छे, बनगांवे के क्या साधना स्थल बनोलखिन जी। लोग जे शोधकर्ता सब लिखे छथिन जे बनगांव के लोग बड़ा प्रिय रहथिन, बहुत हिनका आदर सम्मान देलखिन, ते दुआरे ओते कुटी बना के रह लगलखिन, से बात नहीं रहे। तंत्र के शास्त्र कहे छे कोई भी साधक जे तंत्र के साधना करते से मूल जे साधना स्थल छे तैसे 7 या 9 कुस हट के। अब देखियो ओ साधना करत रहथिन वशिष्ठ आराधित राधिता महिषी के मंडन मिश्र के धाम में जे छथिन उग्रतारा भगवती जी, जिनका नील सरस्वती सेहो कहल जाय छे, ओकर साधक लेलखिन बाद में। ओइ साधना स्थल पर से साधना होते नहीं, ओइ से 7 कोस हट के 9 कोस हट के बनगांव छे 7 कोस। बहुत लोग मानल से बात नहीं रहे, कोनो भी साधक से 7 कोस या 9 कोस के दूरी पर जिनकर साधना हेते ओते से साधना बनगांव। दोसर बात जहन दोसर बात जहन साधना स्थल ओहिठाम रहन संपूर्ण जीवन बनगांव में बीतलखिन, मरे ले फटकी मने देह त्यागे ले फटकी किया चल गेल जी। बहुत रास विद्वान कहता लोग सब कहता जो उनका इच्छा भेलन जे ओहिठाम बड़ी हम करे नहीं, से बात नहीं रहे, ओहो बात नहीं रहे। चूंकि साधना स्थल जे होइ छे से मृत्यु स्थल नहीं होइ छे, ककरो देह त्यागी का स्थल नहीं होइ छे, जेठाम जे साधना करे छे ओहिठाम शरीर के त्यागो नहीं करे छे। आ हुनका नजदीक में रहन फटकी, मरे से दू दिन पहिने किया तो उसमें यातायात रहे नहीं, दू दिन पहिने जोन साहब के चिट्ठी लिख के अपने फटकी चल गेल। अब जोन साहब वो चिट्ठी के नहीं पढ़ सकले, वो की कलिए व्यस्त रहे रख दल के सिर मातर मुझे कैल पढ़वे, आ कैल जन पढ़ के तब तो हम करबो अपन शरीर त्याग के चल गेल रहथिन। जोन साहब अखन नूर करे जे हो बाप ई हुनकर लीला रहे, ई दू दिन पहिने विद्यापति जका लिख दलखिन जे हम जाय रहल छी अपन देह त्याग करब आ सुरपुर चले, मने हम कोनो मृत्यु लोक में नहीं जाब, क्या तब हम तो सुरपुर पर तो भागी रहथिन। आ एखनो वो विदेह बन के देह देखा नहीं पड़त लेकिन कोनो रूप में अहाँ कहू यदि अगल बगल में छह अहाँ आभास भे जाए, हमारा तो वही पूजा करे छी याद करे छी, देह के रुइया ठाड़ भे जाइए कन सिहरण भे जाइए फाफी हुए लगे तो बुझे छी जे बाबा कुरु साहेब। ओ अद्भुत सर अद्भुत, हमरो सब पर कृपा बनेने रही, हमरा सब पर आशीर्वाद देत रही बाबा सा, हमरा सब के निवेदन कह दी जे हमरो सब के दर्शन देता है, हमरो सब के आस्था भक्ति से सराबोर हमर सब के मन रहे।
तैं बाबा जी लास्ट अंत में लिखलखिन जे राम नाम के रहत ही नरो नरक में जात, लक्ष्मीपति विश्वास नहीं परो जम्हो बात। कृष्ण राम और अंत में वह कहलखिन जे राम नाम के मंत्र छे लेकिन लियो रो नरक जा रहले जाप नहीं क्या पावे छे। बिल्कुल सही। ई स्थिति अगर लोग बुझ लेते चला जात सब लोग जगत से, कोई आगे कोई पीछे, क्यों आगे थे क्यों पास थे जाए तो पति सबके जी सब हुनकर रहन सब किछ जे अपन भक्ति भावना से अपन अध्यात्म से अपन व्यवहार से प्रत्येक लोग का प्रसन्न करने रहती जे सबके बाबा के एखनो बनगांव सब में किछ पहिने बाबा के पूजा होइ छै तखने कोनो देवी देवता के पूजा होइ छै जी। बनगांव सब में बाबा के गोसौनी घर में पहिने बबे के पूजा होइ छै तहन और देवी देवता के पूजा होइ छै। आ ओ वट वृक्ष के जे हम चर्चा केलहुँ जी वदन्ती छै कहल जाइ छै जे बाबा जा आबि रहलखिन तो ओहि वट वृक्ष के नीचा में देखबै एकटा बैद्यनाथ धाम छै। अच्छा बाबा के भोला मंदिर छै भीतर में ओ वृक्ष वृक्ष के जतेक भी जड़ छै ते लागत जे नाग छी साफ छी सब ओहि वृक्ष में लपेटल छै। ओहि वट वृक्ष के सबटा जड़ ओहि गाछ में लपेटल छै साफ जकाँ। ओहि बीच में छै बाबा धाम, बाबा धाम मानव महादेव के छोट सन के मंदिर छै जी। लोग कहे छै जे सावन में जावत बाबा रहथिन अपन योग साधना के माध्यम है तंत्र साधना कहियो जे कहियो तो भोलानाथ के कैलाश से जाय काल में ओहि ठाम रोकैत रहथिन आधा घंटा जे तोरा एठाम रह पड़त एते काल तोरा रह पड़त। आ तैं ओहि ठाम ओ बैद्यनाथ मंदिर के स्थापना कयल छै आ एखनो लोग के विश्वास छै जे एठाम बाबा जे महादेव रुकते हथिन जाय काल में ओहि ठाम जेबै तऽ अहाँके अपने बुझा जायत जे की स्थिति छै ओहिठाम। अरे जे साक्षात मने हुनका सबके बजा सकैए साधना के बल पर ओ व्यक्ति के किया कहबे जे ओ मर गेलखिन कि नहीं छथिन एखनो छथिन खाली अहाँ स्मरण करियो ने स्मरण करबे तऽ ओहि लेल तऽ अहाँके फिर साधना घर घर में चाही आय अहाँके जे सीख सकै छै। आओ बाबा जी के जानी कतेक दुखद बात छै जे मिथिलांचल के लोग बाबा जी के अहाँ जना रहलियै मिथिलांचल के लोग ई मिथिला के विडम्बना रहलै जे अपना विभूति के अपना शक्ति के पहचान पहचान नहीं रहलै दोसर के पूजा तो करै छै अपन घर के पूजा नहि। बिल्कुल सही। बाबा घर घर में छै तैं घर घर के लोग पूजा करे देख लियो। अब एखन की भेलै यऽ तऽ आब गाछी कलम ई सब बुताइ नहि छै आब सबटा भूत जन्म लए लेलकै अपना अपना घर में अपना अपना परिवार आइ त्रसित छै लोग आइ लोग अपना संतान से कष्ट में छै ओहिठाम बबे टा एकटा सहारा छथि जे बाबा चाहे तो सबटा कष्ट दूर भए जेतै जे हमर इएह अथी अछि घर घर में हुनकर दीप जराउ पूजा करू बाबा के जगाउ सबटा कष्ट मिथिला वासी के। हम पहिने ओहिमे लिखने रहिए कविता में कि पुनि आउ कुटी में ध्यान धरू भारतवासी केर कष्ट हरू मूर्तिक पूजा जग में होई छ हम सब पूजी अपने खराम हे बाबा जी घुरी आओ। वाह 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 बाबा जी घुरी आओ खराम मूर्ति पूजा तो दुनिया करे छे खराम के पूजा नहीं खराम के पूजा एक व्यक्ति के नहीं रहे भरत जे राम के खराम के गद्दी पर रख के पूजा करे जी 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 आ राम के बाद या लक्ष्मीनाथ गोसाई के खराम की पूजा पहिने खरामे के पूजा होइ छै ता कहलिन जे हे बाबा जी घुरिया आउ गाम घुरिया आउ गाम हम ईश्वर से प्रार्थना करै छियनि जे बाबा जी फेरो से घुरायत गाम फेरो से हम सब हुनकर दीप जराबी घर घर में हुनकर पूजा होइ घर घर में हुनकर स्मरण होइ घर घर में हर दिल में हुनकर आस्था और विश्वास जागे शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से यह प्रार्थना करबैन सर और अपने से सेहो एकटा प्रार्थना करबैन जे एकटा गीत हमरा सबके जरूर सुनाएल जाए। गीत सुना रहल छी मैं छी अब सुना दे छी जी समदौन कहलैन अखन आगे कन्हैया जी कन्हैया जी बड़ी छोटे छला कनिए कनिए छला तो हमर समदौन सुनैल ठम पैसा लै छला सर हरेक मंच पर समदौन गावैत रहिए आ समदौने के रूप में हम बेसी प्रसिद्ध रहिए 1971 में जे गेल रहिए दिल्ली तऽ श्रीमती गांधी से भेंट केने रहिए जे फोटो हम भेज देने छियनि सुमित जी के सुमन जी के जी इंदिरा गांधी के समदौन हम सुनने रही जी इंदिरा गांधी ठाड़ छै तऽ हम समदौन सुनने रहिए वएह समदौन लेकिन अब स्वर अपना संतोष नहि होइ छै स्वर नहि छै ने ओहि ढंग के तऽ कनि लागै छै लोक नीक लागै छै भाव है अपने के भाव वो है अब सुन ली या समदौन सुनने रही जी आरी कथी ले जे एलै रामा
अगहन मास कथिले फूटल नवधान। अगहन के मास रहे जी 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 आरे भोगियो न भेले दैवा बाबा के संपतिया बाबा के संपतिया हारे भोगियो वाह वो बड़े आरे राजा जनक सन बाप को तेज वही बाप को ना तेज हारे पुरनी का पात सनभाय आरे कथिले जे एले रामा अगहन मास अगहन मास कथिले फूटल नव। वाह अद्भुत सर अद्भुत अद्भुत आय बड़ा मन प्रसन्न भ रहल है। एक तो श्रद्धा भक्ति विश्वास जागृत भेल ऊपर से अपने के अनुभव जाने ले भेटल सब दर्शक सब के नाम लेने से हम भाव भी भोर भ के बिसर गेलो। अमित सिंह जी मुरारी झा जी सोनू कुमार राय जी संजय झा जी इंदिरा कुमार झा जी डॉक्टर कन्हैया झा जी सब अपने के वाह बहुत बढ़िया गीत और अपने के स्वागत के लायत अपने के बहुत जय बाबा गोसाई के नारा लग रहा है। अपने के सब हृदय से अभिनंदन कर रहा है और सर शिवम फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से हम कोटि कोटि प्रणाम करे छी यहाँ के और ईश्वर से प्रार्थना करब जे अपने सलामत रही और अनहे श्रद्धा भक्ति के विश्वास के जे जोत अपने मन में जल रहा है ओकरा से हमरो सबके रोशन करत रही। सर जय जय एशिमा फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से कोनो संदेश अपने देबा चाहब तो अहाँ के स्वागत है सर। हम एकटा हमर सीमर फिल्म्स इंटरनेशनल के जते भी लोग लागल छथि ओ वस्तुतः धन्यवाद के पात्र छथि दर्शनीय छथि जे बाबा जी के सूतल जे पिता व्यवस्था छलनि लोग बिसरि गेल छलनि हैं तकरा अहाँ सब जगा के पुनः बाबा के से ठाड़ कऽ रहल छियनि आ लोक के हृदय में एकटा से अंकुर जगा रहल छी जे जागू एखनो जागू आ अपन अपन पूर्वज के स्मरण करू बाबा छथि आ सबके लेल छथि सबक कल्याण के लेल छथि। तैं अपने सबके बहुत धन्यवाद अपने के ई सीमर फिल्म इंटरनेशनल दिनानुदिन से लतरैत रहे चतरैत रहे फरैत रहे फुलाइत रहे अपने सब प्रसन्न रही यह हमर काम। बहुत आभार सर अपने के चरण स्पर्श करे छी सब दर्शक सबके सेहो आभार दे छी धन्यवाद जे अपने सब हमरा सब से जुड़े छी हमरा सब के मनोबल बढ़ावे छी अपने सब हमरा सब के कीमती समय दे छी सबके आभार रही सने सर अहाँ के प्रणाम करत आज के सेशन इम्हे समाप्त करे छी। जय मिथिला जय मैथिली जय मिथिलावासी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद सबके।